पद चालू करो। जय सच्चिदानंद। दादानु गीत मारे गावो छे, दादानु गीत मारे गावो छे, प्रेमनु अमृत पाऊ छे, दादानु गीत मारे गाऊ छे, दादानु गीत मारे गाऊ छे, दादानु गीत मारे लागे बती रस माना छे, बती रस माना छे, दादानु गीत मारे गाऊ 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 छे, जीवन मारो बनियो पारो दादा शरण छे, दादा शरण छे, दादानु गीत मारे गाऊ छे, दादानु गीत मारे गाऊ छे। दादानु गीत मारे गाऊ छे, दादानु गीत मारे गाऊ छे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, नौ कलम बोलिए। 1 2 3, 1 2 3, याद है कि नहीं? याद है? नहीं, छोटी को पूछता हूँ। हाँ याद है दादा। ओके, वेरी गुड। आप लोग, आपको तो हम खुश हुए आप लोग को पे। ओके, 1 2 3।
हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मने कोई पन देहधारी जीवात्मा ने किंचित मात्र पन अहम ना दुबे ना दुबाय के दुबा प्रत्ये ना आनमुदाय एवी परम शक्ति आपू। मने कोई पन देहधारी जीवात्मा नो किंचित मात्र पन अहम ना दुबे ना दुबाय एवी शादवाद वाणी शादवाद वर्तन अने शादवाद मनन करवानी परम शक्ति आपू। हे दादा भगवान, मने कोई पण धर्म नो किंचित मात्र पण प्रमाण न दुबे न दुबाय के दुबवा प्रतिना अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो। मने कोई पण धर्म नो किंचित मात्र पण प्रमाण न दुबे एवी शादवाद वाणी शादवाद वर्तन अने शादवाद मनन करवानी परम शक्ति आपो। हे दादा भगवान, मने कोई पन देहधारी उपदेश साधु साध्वी के आचार्य नो अवनवत अपराध अविनय न करने की परम शक्ति आपो। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, मने कोई पन देहधारी जीवात्मा नो अभाव तिरस्कार क्या क्यारे पन ना कराय ना करावाय के कर्ता के प्रति ना अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो। हे दादा भगवान, मने कोई पण देहधारी जीवात्मानी साथे क्यारे पण कठोर भाषा तंतीली भाषा न बोली जाय न बोलवाई जाय के बोलवाना प्रत्येना अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो। कोई कठोर भाषा तंतीली भाषा बोले तो अने मृदु रुचु भाषा बोलवानी परम शक्ति आपो। हे दादा भगवान, मने कोई पन देहधारी जीवात्मा के प्रति स्त्री पुरुष अगर नपुंसक गमे ते लिंगधारी होय तो तेना संबंध में किंचित मात्र पन विषय विकार संबंधी दोषों इच्छाओं चेष्टाओं या विचार संबंधी दोषों न किया जाए न करवाया जाए के कर्ता के प्रति न अनुमोदाय एवी परम शक्ति आपो। मणि निरंतर निर्विकार रेवानी परम शक्ति आपो। हे दादा भगवान, मने कोई पण रस्मा रुद्रपणम ना कराय एवी परम शक्ति आपो। मने समरसे खोराक लेवाय एवी परम शक्ति आपो। हे दादा भगवान, मने कोई पण देहधारी जीवात्मानो प्रत्येक अनम्यूट मोनिका। मोनिका अनम्यूट। बनवानी परम शक्ति आपो शक्ति आपो शक्ति आपो। जय सच्चिदान। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सुरेश दादा श्रीमंत सॉरी बोया प्लीज। श्री नमो मंत्रो वितरागाय नमो नमो अरिहंता नमो नमो सिद्धानं अरिहंताय नमो आर्यरिहणं नमो नमो वज्रायणं वज्रायणं नमो लोये सर्वग्रहणं नमो लोये ऐसो पंच नमस्कारो नमो मंगलानं च सर्वेषिं परमं भवै मंगलम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। Hey, Stan. Daily prayer tonight. हाँ जय सच्चिदानंद।
हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शनि रूपी स्थान है मुझे मेरे को यानी की पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहाय करे। मैं गुरु मैं गुरु साहब से आप कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी न छूटे ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काय कायो और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ की जीवन व्यवहार में सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मार्मी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। Jai Satchidananda. Daksh, study prayer. Daksh, unmute. हे राधा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करता हूँ जिससे मेरे दर्शन रूप के आदरण रूप ज्ञान में पढ़ाई सही ढंग से करूँ। ऐसी मुझे परम शक्ति दिए। जय सच्चिदानंद। हे सच्चिदानंद, हे ताशिबा, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, जो है सच्चे सच्चे दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे काम करेंगे अच्छे अच्छे वेरी गुड। जय सत्य दक्ष। ईश्वर मैं दादा भगवान फल बहुत अच्छे लग रहे। ईश्वर मैं भगवान परमानेंट खेड़ भगवान परमानंद ओके ताक्षिबा, मम्मी का गुंजन मोर आपको या देखा। दादा आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अबे आवे छे बराबर नहीं, एक मिनट। श्री सान जी बराबर दे समराइज। हाँ ओके दक्ष, आप बोलिए, आपको होमवर्क क्या था? मुझे मम्मी के गुण पता करने थे। ओके तो दादी साथ दादा मैंने दीदी के साथ नहीं किया, पर मुझे याद है। बोलो बोलो। मम्मी ने मुझे ये सिखाया है, कभी भी किसी से तेज आवाज में बात नहीं करना चाहिए और किसी को ही बुरा नहीं बोलना चाहिए और किसी और की चीज बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। ओके अपन जाते जो उनसे चीजें नहीं लेना चाहिए। ओके वेरी गुड। इताक्षिबा जय सचिदानंद। मैं तो
मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है, मैं इजाजत दिया था वहाँ पे। चौथी बोलो। मम्मी ने ये सिखाया कि हमें किसी को दुख नहीं देना है, हमेशा सुख देना है। फिर मम्मी ने ये सिखाया है पानी पिलाए और ड्रेस के लिए इतना है कि उन्हें मोक्ष मिले, ऐसा ऐसा भी मम्मी ने बहुत सी चीजें सिखाई है। प्लीज थोड़ा रिपीट करो, सुरेश दादा को कुछ सुनाई नहीं देता कुछ करके। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। या फीडबैक आया था दक्ष का, वैसे फीडबैक आते हैं। ओके इताक सिवा पास में आके जोर से बोलो। मम्मी ने ये सिखाया था कि हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख देना है। फिर ये सिखाया है मम्मी ने कि हमें जब भी प्लांट्स को पानी पिलाए तो उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है कि उन्हें मोक्ष मिले। फिर मम्मी ने जो घर के काम होते हैं वो करना सिखाया। फिर मम्मी ने पढ़ना भी सिखाया है बचपन में। तो मम्मी में लेजीनेस है नहीं, तो आप में क्यों है? तो जरा बात सोच के बाद में शैलेश दादा को बताना। मोनिका ओके आप बोलिए, मम्मी का गुण और आप मम्मी ने क्या आपको सिखाया और आप मम्मी मम्मी के और आप गुण। मम्मी के क्या सीखे? हाँ, मम्मी के गुण ये है कि मम्मी मुझे बहुत प्यार करती है और मेरे लिए खाना भी बनाती है, जो मेरी पसंदीदा वो भी बना के देती है। घर का सारा काम भी वही संभालती है, और अगर मुझे कुछ ज्यादा होमवर्क भी मिल जाता है तो मुझसे मदद नहीं हो पाती है, फिर भी वो सारा काम कर लेती है। वो मेरे लिए कपड़े भी सिलती है, टेलर का काम भी करती है, और साथ ही जो भी मेरी गलतियां हैं वो करेक्ट भी करती हैं, और मुझे बताती भी है और सिखाती भी है कि ये गलती वापस दोहरानी नहीं चाहिए। अगर मैं दोहराती हूँ तो थोड़ा डराती है और डांटती है, फिर भी वो बहुत केयर भी करती है। और जब भी छुट्टियां होती है तो मैं लेट उठती हूँ, फिर भी वो मुझे उठा देती है टाइम पर। और मम्मी से मैंने ये भी सीखा कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है, और वो कभी लेजी नहीं होती है, और बहुत परफेक्ट है उनके कामों में, वो बहुत परफेक्ट है सारे घर के कामों में, खाने बनाने में, जो भी उन्हें पसंद है वो काम वो बहुत अच्छे से भी करती है। हाँ, करिश्मा जय सच्चिदानंद। हाँ, तुमने नहीं मम्मी से ये सीखा कि मम्मी कभी लेजी नहीं होती है, उनकी तरह हमें भी लेजी नहीं होना है, और मम्मी पूरे घर को संभालती है, वो कभी टायर्ड नहीं होती है, और उसका रेस्ट इतना ले लेती है, शाम को लेती है, और हमारे लिए सब कुछ करती है, हमें सिखाती है कि ये गलती नहीं करना चाहिए, और अगर वो गलती दोहराए तो हमें बहुत डांटती भी है। और मम्मी का गुण ये है कि मम्मी हर रोज सुबह जल्दी उठकर अपना काम सब कुछ निपटा कर हमारे लिए खाना बनाती है, हमारी बाल संवारती है, और जो भी मैं कभी लेट हो जाती हूँ स्कूल को तो मुझे मदद भी करती है। मैंने मम्मी में ये नोटिस किया कि वो मेरा जो भी होमवर्क ज्यादा हो जाता है तो वो मुझे कुछ भी काम नहीं देती है, मेरी पढ़ाई के साथ मुझे छोड़ देती है, और वो मेरा जब होमवर्क नहीं होता है तो वो थोड़ी सी हेल्प मांगती है, जस्ट एक काम बोलती है, और सुबह जल्दी उठकर मुझे उठाती है, मैं उठती नहीं हूँ तो भी, और मेरे लिए नाश्ता सब कुछ बनाकर रेडी रखती है, और जो भी गलती हो जाती है मैं उनको चिल्ला देती हूँ तो नहीं चिल्लाने का सब कुछ मुझे अच्छे से सिखाती भी है, और बैड हैबिट्स गुड हैबिट्स भी अच्छे से सिखाती है। ઓકે દિવ્યાબેન તમારું શું હોમવર્ક હતું?
अनम्यूट करो। से मैं कई कई चीजें बेचती तो होमवर्क्स हुआ तो कहीं बेचती होती सुहाते कई कई दिव्या बेदी विकदा ओ वीकनेस हो। यस यस बोलो। पापा मम्मी ने पूछू तू होती। सु कहियो। एक तो रबाड़ी एक ली एकली जो ओके वेरी गुड। बीजू बधु बराबर छे। हाँ ओ यू आर गुड गर्ल। हाँ पप्पा ने पूछी जो तो हाँ पप्पा हाँ कही। ओके ओके वेरी गुड। ओके बिफोर आई फॉरगेट कल के नेक्स्ट ये 3 दिन के आपने मम्मी को क्या हेल्प करते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट करने का है। मोनिका प्लीज पोस्ट इट ऑन द ग्रुप। ओके मोनिका। हाँ ओ नहीं अभी तो खुश इताक्षी आ गए। इताक्षी बा योर योर जॉब इज टू पोस्ट इट। ओके इताक्षी बा। हाँ ओके शेष दादा। जी ओके आपने सब सुना। अभी ये फाइनल चैप्टर भी मम्मी का चल रहा है। होमवर्क नेक्स्ट वीक है। उन लोग क्या हेल्प करता है इम्प्रूवमेंट करने के बाद में पप्पा पे जाएगा नेक्स्ट वीक। पर अभी आपने सुना तो थोड़ी बातें करो। नहीं कुछ सबको लैकिंग बहुत होता है कुछ एडवाइस देना है का है। नहीं, पहले तो सबको अभिनंदन धन्यवाद कि भाई आप मम्मी से बहुत अच्छे गुण देखे, उनके प्रति पूज्य भाव भी आपके सब में व्यक्त हुआ तो बहुत अच्छा है। साथ में शुद्धात्मा भगवान देखते हैं कि मम्मी में, कि हाँ मम्मी देखते हैं। अकेली देखते हैं, नहीं देखते देखते हैं ना अंदर हैं। शुद्धात्मा दादा भगवान है ना, तो दोनों हाँ देखने का व्यवहार से मम्मी है और अंदर शुद्धात्मा दादा भगवान है, उनको भी मेरा नमस्कार ऐसा बोलने का। क्या बोलने का, बट अच्छा है बहुत अच्छा है। अभी आप क्या करना चाहते हैं मम्मी के लिए जीवन में, आगे बढ़ के आप क्या करेंगे मम्मी के लिए। मम्मी ने तो इतना सारा मम्मी कर रही है और करेगी और कर रही है, आप क्या करोगे मम्मी के लिए, आपकी क्या भावना उनकी सेवा, है। उनकी सेवा। हाँ उनकी सेवा बहुत बढ़िया। और मोनिका खुशी दिव्या जो भी ख्याल व्याल है आपके बाद। उनकी आज्ञा में रहने का, हाँ वो विनय आदमी करने आपका। का। उनकी हेल्प, क्या बोला दिव्या जी ने। एमनी हेल्प, ओके वेरी एमनी हेल्प। गुड हाँ एमनी हेल्प। वेरी गुड। खुशी मोनिका करिश्मा दक्ष कुछ याद नहीं आता है। उनकी विनय करना और उनकी आज्ञा में ही रहना। वो तो बोला और आपने। वो तो हाँ मोनिका ने बोला। हाँ दक्ष बोलिए। दक्ष ने हाथ उठाए बोलिए। उसको अनम्यूट करना पड़ेगा ना। ओके दक्ष। हाँ हाँ जैसे दादा उनको हमेशा हाँ बोलने का और उनके अंदर के भगवान को देखना। बिल्कुल ठीक है। तो देखो आप दक्ष म्यूट म्यूट कर दीजिए। कर दिया मैंने। ठीक है तो
अभी मम्मी आपके लिए सब कुछ कर रही है, आपका रिलेटिव और रियल दोनों में आपकी प्रगति हो, उत्कर्ष हो, कल्याण हो, उसके लिए तो हमारी भी ये भावना हम रख सकते हैं। पिछली बार बात किया था तन मन और धन से, उनके व्यवहार में उनके दिल को ठंडक मिले और निश्चय में उनको शुद्धात्मा या मोक्ष के यात्रा में संयोगों की सानुकूलता सब प्रकार से मिले, उसके लिए हम जो भी तन मन धन से कर पाए वो करने की हमें भावना हम रखेंगे, क्योंकि उनका ऋण तो कभी चुका नहीं सकते हैं। हम चुका सकते हैं क्या? सब महापुरुषों ने ऐसा बोला कि उनका ऋण हम चुका नहीं सकते हैं। तो ये हम भावना करें, प्रार्थना करें कि वे उनका भी व्यवहार और निश्चय, मैंने व्यवहार से और आत्मा की मोक्ष गति के लिए भी पूरा कल्याण हो, और हमसे जितना भी हो पाए तन मन धन से हम उनके लिए करें, कर सकें, ऐसी हमारी भावना रहे। क्या रहे? आपने पूछा, सब लोगों ने पिछली बार बात हुआ था कि मम्मी से कि आपकी क्या अपेक्षा है हमसे, आप क्या चाहते हैं, पूछने की बात हुई थी ना, भूल गए सब लोग सब भूल गया। ना? कोई बात नहीं, भूल गए उसकी कोई बात नहीं। अभी आपको लगता है तो कोई बार प्रेम से पूछना कि आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें तो आपके दिल को ठंडक मिलेगा, मिलेगी, ऐसा पूछना कभी, क्योंकि हम हमारी समझ से करते हैं मगर उनकी अपेक्षा क्या है हमारे से, वो भी तो हमें देखना है ना कि नहीं। दैट इज पार्ट ऑफ हाँ होमवर्क विताक्षी बा, कि व्हाट आई कैन डू फॉर मम्मी। ओके, यू कैन आस्क हर आल्सो, बधाई पूछने का। ओके, और अभी मम्मी आप बोल। को व्यवहार के बोझ से कभी गंभीर हो जाती है क्या? मम्मी सीरियस हो जाती है व्यवहार के बोझ से, काम से कि नहीं? कभी 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 हाँ, तो हमें उनका बोझ हल्का कर देने का, हंसा देने का, क्या करने का? मम्मी का बोझ कभी कम कैसे करेंगे? आप थोड़ा गम्मत करो, थोड़ा हंसाओ, थोड़ा ये करो वो करो, तो मम्मी का बोझ हल्का हो जाएगा। व्यवहार की बात कर रहे हैं, और निश्चय में तो उनको बोलने का, चलो हम साथ में असीम जी का रो बोले, साथ में आरती करें, साथ में कुछ विधि करें, तो वो निश्चय का हो जाता है। क्या हो जाता है? हमें सामने वाले का बोझ बढ़ाना तो है ही नहीं, मगर कम कैसे कर पाए वो भी तो देखना है ना। मैं आई थिंक 94 में जब यूएस आया था पहली बार, तो एक 5-6 साल का लड़का बच्चा था, उसकी मम्मी जॉब भी करती थी पूरा दिन, घर भी संभालती थी, सब कुछ करती थी, बहुत थक जाती थी, स्ट्रेस भी हो जाती थी, तो कभी कभी थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता था, तो वो बच्चा इतना समझदार था, हंसा देता था मम्मी को, मम्मी मम्मी तुम ऐसा करोगी तो लोग आपको मैडम मैड कहेंगे, तो आप क्या करोगी, तो वो हंस देती थी। तो ये रियल लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ आपको, गलत नहीं बोल रहा हूँ। तो वातावरण हल्का लाइट हो जाता था। क्या हो जाता था? तो घर में वातावरण लाइट रहे, हंसी खुशी का रहे, वो देखने की आपकी जिम्मेदारी, आप बच्चे हैं ना, आपको सब लोग अलाउ कर देते हैं, बड़े बड़े एक दूसरे को हल्का नहीं कर सकते हैं, स्माइली नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। ठीक है, ओके, इसके इताक्षिबा बारे में बहुत आप, बहुत इसके बारे में सोचा नहीं, इताक्षिबा कीप स्माइलिंग एंड मेक अदर स्माइलिंग। दिव्या देखो तो स्माइल ही नहीं करती है। दिव्या जी स्माइल करते हैं? हाँ, तो बराबर। शैलेशा दादा जी, भगवान का मुंह हमेशा मुक्त हास्य वाला था, ऑलवेज मुक्त हास्य स्माइलिंग था, तो स्माइलिंग को देखते ही दूसरे सब का बोझ हट जाता है। क्या हो जाता है? चलो, बहुत बात हो गई। शेरशाह जी को भी वीडियो देखेगा, उसको देखता हाँ है कि जरूर, ये घर में सिचुएशन है कि नहीं। हाँ जी।
क्या क्या हो गया? ओके टेलीफोन दवाई दवाई टेलीफोन टेलीफोन सर दवाई दवाई क्यों दवाई बेसन ऐसे कभी हो घर में होता है? तो चलो नहीं ऐसा तो मेरे पास मेरे साथ नहीं हुआ। पापा मम्मी कोई बोलते है तो ना बोलते थे आप काम करने का? नहीं ऐसे कोई चीज पे ऐसा कुछ नहीं करते काम तो कर देते हैं। हाँ नहीं पर ना बोलते है क्या? नहीं हाँ तो वही बताया ना, उन लोग को कुछ करने का नहीं था। और दूसरा मोनिका, मोनिका ये होता है मम्मी कुछ बोल, नहीं मम्मी मम्मी को काम होता है आप लोग नहीं करते, ऐसे होता है? पहला होता था, अभी जो भी वो कहती है मैं हाँ के करी करती हूँ अभी। ओ वेरी गुड। हाउ अबाउट करिश्मा? करिश्मा दादा मैं कभी कभी मम्मी को ना कह देती हूँ। हाँ कभी कभी। और खुशी? मैं भी ना बोल देती हूँ दादा। हाँ देखो इट्स अ सिचुएशन है। ओ दे आर बिजी इन आईफोन पर, आप लोग कुछ भी करते नहीं है ने, तो ना बोल नहीं देता है दादा। तो ये बोलता कि वीडियो कुछ कुछ सीख सकते हैं वीडियो में। मैंने तो थोड़ा पॉजिटिव भी देखा कि बाद घर के सब लोग साथ मिलके सफाई करने लगे में तो बाद में कर इन लोग यही रहे करता है, इन लोग तो ये इजाक्सी भाई वो करते, पहले ना बोलती है बाद में कर वो कोई लेते बात करते तो या चलो कोई बात। ओके। दिव्या बहन आज केम तो मैं ड्रेसअप करे ला छे, शू करवानो छे आज? अजीजी ओ कोना सत्संगमां जवानू? महेश दादा ना? ओके ने तो गई काल क्या गया था तुम्हें? एनाहाइम एनाहाल दिल सुपर कोना घर गया था? मिली बिना बाद दादा ना घरे दादा ओ बाद दादा घर तो सत्संग मस्त सांभरी था मैं। बहु बड़ू हथु एक तो को हमने बड़ू मुद्दा उन्हें बनावानू थू शुक्राणु सा मुद्दा हाय निम्ने बनावानी बड़ू हथु चलची ओ नाना माटे न तो कसु मोटा माते बड़ो हतो बनाना वो भी चिता था ओ तो का आज पूछते पूछो। ओके अब तो पूछो ने नाना माटे कई हमने को पची सोमवार हमने जनावजो। ओके हाँ ओके वेरी गुड। ओके शेजारा वी हैव सम कपल ऑफ मिनट्स सो यू कैन टॉक टू द चिल्ड्रन। वेटिंग फॉर वैशाली टू शो अप।
चलिए सदा नहीं, वो लोग अच्छा कर रहे हैं, तो अभी दादा भगवान से, सुरेंद्र स्वामी से, सभी देव देवियों से शक्ति मांग के, प्रार्थना करके कि भी हम सब प्रकार से हमारा ऐसा विकास हो कि केवल हमारा नहीं मगर सबके जीवन में हम प्रकाश के निमित्त बन पाए, क्या बन पाए, सुख शांति और ज्ञान प्रकाश के हम निमित्त बन पाए, ऐसी हमें समझ देना, शक्ति देना, संयोग देना, तो ऐसे धीरे धीरे हमारा विश्व बड़ा होता जाएगा, क्या होता जाएगा। और माता पिता के अलावा भी जिनमें हमने उत्कृष्ट गुण देखे हैं, जैसे महापुरुषों के चरित्र, महावीर स्वामी है, दादा भगवान है, और भी तीर्थंकर हैं, तो उनमें क्या क्या गुण थे, बड़े पुरुषों के क्या उत्कृष्ट गुण थे। हमारी चरण विधि में एक वाक्य आता है कि सर्वे महात्मा सर्वोत्कृष्ट सद्गुण, मारा मा उत्कृष्ट पड़े, स्पुराय मान था, स्पुराय मान था, स्पुराय मान था। तो एक साइंस है कि जिसके गुण देख के हम उसकी प्रशंसा करते, भावना करते कि हमारे में भी ये गुण आए, तो वो हमारे में डेवलप होने लगता है, क्या होने लगता है। तो ये धीरे धीरे ये अलग अलग चीज हम हमारे ख्याल में रहेगी, तो हम सब प्रकार से हमारा विकास होता जाएगा, डेवलपमेंट होता जाएगा, हम सब प्रकार से व्यवहार और निश्चय से बहुत आगे बढ़ेंगे, क्या बढ़ेंगे। तो ये बात है। ओके मोनिका, खुशी खुशी हाँ, दादा आप थोड़ा एक्सपीरियंस को आपको अभी 2 मिनट में, क्योंकि अभी वैशाली निवासी आ गए, आपका बिजनेस का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? कस्टमर आते हैं तो उसमें शुद्धात्मा देखते हैं कि नहीं देखते? देखती थी कभी कभी, कभी कभी रह जाता था, भूल जाती थी। ओके और मैंने इस बिजनेस में कैसे कस्टमर को हैंडल करते हैं, उनको कैसे बोलना है, सब कुछ सीखा था। और जो भी कैलकुलेशंस है सब कुछ मैंने इस बार परफेक्ट कर दिया। और पापा को जो स्टॉक्स होते हैं उसमें लिखने में भी हेल्प किया मैंने, और बहुत कुछ सीखा था मैंने। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम कुछ डिटेल में बात करेगा। ओके ओके तो होमवर्क मालूम पड़ गया, आई थिंक सो, प्लीज पोस्ट इट। ओके हाँ ओके जय सच्चिदानंद। बोलो ना, मैं क्या पोस्ट सच्चिदानंद करूँ वापिस। रिपीट करने का। हाँ हाँ वैसे मैं तो वापस भूल गई होमवर्क। ओके आपको मम्मी से क्या सीखा और अभी क्या हेल्प करने में, क्या इम्प्रूवमेंट करने का है मम्मी को पूछ के, मम्मी का एक्सपेक्टेशंस क्या है और पूछ के। ओके जय सच्चिदानंद।